नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एशिया कप 2023 के बारे में। इसका आगाज कब होगा और फाइनल मैच किस दिन खेला जाएगा? एशिया कप में कुल कितनी टीमें शामिल है और कौन से टीम को किस ग्रुप में रखा गया है? और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कौन सा खतरनाक मुमकिना 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतरेगा? हम नाज़रीन को इसी वीडियो में बताएगी मुकम्मल तफसील के साथ। लेकिन इससे पहले, अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। नाज़रीन, एशिया कप 2023 की मेजबानी इसी साल पाकिस्तान करेगा। ये एशिया कप ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी कि 50 ओवर पर मुश्तमिल होगा। एशिया कप 2023 का आगाज 31 अगस्त से होगा और उसका फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप 2023 का इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप 2023 के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप 2023 में कुल 6 टीमें शामिल हैं। इन टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। एशिया कप 2023 के लिए अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुमकिना 15 रुकने स्क्वाड की बात करें, तो पाकिस्तान के 15 रुकने स्क्वाड में शामिल नंबर 1 पर कैप्टन बाबर आजम, नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर फख्र जमान, नंबर 4 पर इमाम अल हक, नंबर 5 पर मोहम्मद हारिस, नंबर 6 पर इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 पर सुलेमान अली आगा, नंबर 8 पर शादाब खान, नंबर 9 पर मोहम्मद नवाज, नंबर 10 पर अहमद वासीम, नंबर 11 पर शाहीन शाह आफरीदी, नंबर 12 पर हारिस राउफ, नंबर 13 पर नसीम शाह, नंबर 14 पर वसीम जूनियर और नंबर 15 पर साइम अयूब पाकिस्तान की 15 रुकने स्क्वाड का हिस्सा होगी।